हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन समर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाकर दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने कान्हा जी को ले लिया है और सबसे पहले गले में हम ये ड्रेस डालेंगे। फिर यहाँ नीचे की तरफ से हमने देखिए टिप टैप बटन लगाया हुआ है, इसको हमें बंद कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लड्डू गोपाल जी को ये सुंदर सी समर स्पेशल ड्रेस पहनाई है और आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। पीछे की तरफ से भी मैं आपको ड्रेस का लुक दिखा देती हूँ। इस ड्रेस को बनाना जितना आसान है, कान्हा जी को पहनाना भी उतना ही आसान है। साथ ही साथ ये बहुत आरामदायक है क्योंकि काफ़ी खुली खुली सी है ये ड्रेस। गर्मी में कान्हा जी को हवा भी लगेगी और काफ़ी हल्की है। प्योर कॉटन के कपड़े से हमने ये ड्रेस बनाई है, तो आप भी इस ड्रेस को बनाकर कान्हा जी को ज़रूर पहनाएं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन समर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे येलो कलर के अस्तर के फैब्रिक में से दो पीसेस कट कर लिए हैं। मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है क्योंकि ये काफ़ी पतला होता है, आप देख सकते हैं आर पार झलकता भी है। साथ ही साथ प्योर कॉटन है, तो इससे बनी हुई जो ड्रेसेस हैं वो कान्हा जी के लिए गर्मियों में बहुत ज़्यादा आरामदायक रहती हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कान्हा जी को हल्की से हल्की ड्रेस पहनाऊँ जिससे कि उनको गर्मी ना लगे। इसीलिए मैं यहाँ पर ये अस्तर का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं या फिर आप रेयन के फैब्रिक भी कान्हा जी के लिए पोशाक बना सकते हैं क्योंकि कॉटन और रेयन का फैब्रिक कान्हा जी के लिए गर्मियों में सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूं। तो देखिए इसकी यहां से यहां तक की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 8 इंचेस यानी कि 8 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच रखी है। दोनों ही पीसेस का मेजरमेंट मैंने एकदम बराबर रखा है। अब हम इसको एक के ऊपर एक करके रखेंगे, एकदम बराबर करते हुए हमें रखना है। ऊपर नीचे होगा तो जब हम कट करेंगे ना तो शेप खराब हो जाता है, इसलिए एकदम इक्वल रखना है हमें। अब हम बीच में से एक बार इसको फोल्ड करेंगे, फिर हम एक बार और फोल्ड करेंगे। तो टोटल दो बार हमने फोल्ड किया इधर की तरफ से। देखिए ये ओपन वाली साइड है और इधर से फोल्डेड वाली साइड है। तो यहाँ सेंटर में ये जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ पे हम नेक की कटिंग करेंगे। तो आप चाहें तो मार्किंग भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मार्किंग कर दे रही हूँ। बहुत बड़ा नेक हमें नहीं कट करना है क्योंकि जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे ना तो फिर वो अपने आप थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। हमें इतना रखना है नेक का साइज़ कि कान्हा जी को हम ईजिली पहना सकें। तो आप अपने कान्हा जी के सिर के हिसाब से नेक का साइज़ रख सकते हैं। इस तरीके से हमने देखिए यहाँ पर गोलाई देते हुए नेक की कटिंग कर ली है। साथ ही साथ हमें यहाँ किनारे पे भी कटिंग करनी है, तो यहाँ पे भी मैं आपको मार्किंग करके दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए ये जो फोल्डेड वाली साइड है इधर की तरफ से 1/2 इंच यानी कि 1/2 इंच की जगह हम छोड़ देंगे और फिर यहाँ से ऐसे हमें गोलाई देनी शुरू करनी है। इस तरीके से लाकर हमें यहाँ किनारे पे एकदम मिला देना है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से हमने 1/2 इंच की जगह छोड़ते हुए फिर मार्किंग की है और यहाँ शोल्डर पे एकदम किनारे ले जाके मिला दिया है। हमें ध्यान रखना है कपड़ा एकदम बराबर हो क्योंकि जब हम कट करेंगे और कपड़ा बराबर नहीं होगा तो फिर वो आगे पीछे हो जाएगी कटिंग। तो हमें यहाँ से कट करना है। हमने देखिए कट भी कर लिया है। कट करने के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसका शेप कुछ ऐसे आ जाएगा, बोट शेप आया है इसका। अब हमने ये जो नेक की कटिंग की है इसके चारों तरफ से हम डबल सिलाई लगाएंगे जिससे कि मजबूती आएगी और ड्रेस जल्दी खराब नहीं होगी। अब हम इसको पलट कर सीधा करेंगे जिससे कि हमने ये जो सिलाई लगाई है वो भी ढक जाएगी और कटिंग जो हमने की है वो भी कवर हो जाएगी। तो ये दो पीसेस है ना, तो ऊपर वाला पीस हमें लेना है और ये जो हमने नेक बनाया है इसके अंदर हम इस तरीके से ये ऊपर वाला पीस डालेंगे और पीछे की तरफ से हमें खींच के इसको निकाल लेना है।
इसको पलटने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही इजीली ये हम पलटकर सीधा कर लेंगे। हमें ऐसे ऊपर वाले पीस को बाहर निकालना है। और अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पलटने के बाद हमने ये जो नेक पे सिलाई लगाई थी वो भी ढक गई है, इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। अब इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हमें ये जो चारों तरफ से ओपन वाली साइड है इसको भी सिलाई लगा के लॉक करना है। तो इसका दो तरीका है, मैं आपको दोनों ही बताऊंगी, जो आपके लिए इजी हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि नीचे वाला जो पीस है, देखिए इसको हम एक बार ही ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर जो ऊपर वाला पीस है इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करते हुए हम दोनों पीसेस को एक के ऊपर एक करके रखेंगे एकदम बराबर, और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से जब हम इसको लॉक करेंगे सिलाई लगाकर, तो आगे और पीछे दोनों ही तरफ से इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। पर अगर आपको ये वाला तरीका थोड़ा हार्ड लग रहा हो, या फिर आप बिगनर हैं पहली बार कान्हा जी के लिए पोशाक बना रहे हैं, तो आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमें डायरेक्ट दोनों पीसेस को ऐसे डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है चारों तरफ से। तो आपको जो भी तरीका इजी लगे आप उस तरीके से इसको चारों तरफ से लॉक कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने चारों तरफ से इसमें फोल्ड करते हुए सिलाई भी लगा ली है, और मैंने दोनों पीसेस को फोल्ड करके सिलाई लगाई है, जिसकी वजह से इसमें आगे और पीछे दोनों ही तरफ से बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। किनारे की तरफ से इसका शेप थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, क्योंकि जब हम फोल्ड करते हैं तो ये सर्कल में रहता है, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसमें लेस लगाएंगे तो इसका शेप भी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। एक बात का हमें ध्यान रखना है, जब हम सिलाई लगा लेंगे तो उसके बाद हमें इसको प्रेस कर देना है। मैंने भी इसमें प्रेस लगा लिया है, जिसकी वजह से ये जो सिलाई है या फिर कपड़ा थोड़ा सा इधर उधर है तो वो अच्छे से बैठ गया है। अब जब हम इस पे लेस लगाएंगे ना तो इसका शेप परफेक्ट आएगा। पर अगर आप बिना प्रेस लगाए सिलाई लगाकर डायरेक्ट लेस लगा देंगे तो कपड़ा और सिलाई अच्छे से बैठेंगे नहीं और शेप परफेक्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सिलाई लगाने के बाद पहले प्रेस लगाएं, उसके बाद ही लेस लगाएं। अब हमने देखिए यहाँ पे ये येलो कलर की थ्रेड लेस ले ली है। आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लेस है और मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है। तो मैंने येलो कलर का फैब्रिक यूज़ किया था, इसीलिए यहाँ पे लेस भी येलो कलर की ही ले रही हूँ। आप चाहें तो कॉन्ट्रास्ट लेस भी ले सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप थ्रेड लेस लें, आपके पास जो भी लेस हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरीके से हमें किनारे से इसको फोल्ड कर लेना है, क्योंकि ऐसे देखिए ये निकलता रहता है तो ड्रेस बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो जब भी हम लेस लगाते हैं हमें पहले किनारे से थोड़ा सा फोल्ड करना चाहिए, और अब हमें यहाँ से ऐसे रखना है, फिर ऐसे लास्ट तक सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ से। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से हमने इसमें लेस भी लगा ली है, और आप देख सकते हैं लेस लगाने के बाद ये एकदम परफेक्ट शेप में आ गया है, कहीं से भी टेढ़ा नहीं लग रहा है। और पीछे की तरफ से भी देखिए इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हमें इसको सीधा करके रखना है और बीच में से हम बराबर करके फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब यहाँ नीचे से हमें तिरछे में सिलाई लगानी है 1.5 इंच ऊपर तक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ नीचे की तरफ से हमने तिरछे में इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब जब हम ओपन करेंगे तो देखिए इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा, ये एकदम पतला हो गया है। अब सेम ऐसे ही हमें इधर की तरफ से भी सिलाई लगानी है। दोनों तरफ से सिलाई लगाने के बाद अब देखिए ड्रेस का लुक एकदम परफेक्ट आया है, हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। लास्ट में हम इसमें टिप टैप बटन लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये एक टिप टैप बटन ले लिया है, इसको ऐसे हम ओपन करेंगे और एक पीस हमें यहाँ नीचे की तरफ सेंटर में लगा लेना है, और जो दूसरा पीस है वो हमें यहाँ ऊपर की तरफ पीछे से लगाना है इस तरीके से। अगर आपके पास टिपटा बटन नहीं हो तो आप इसकी जगह पे हुक या वेलक्रो भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ ऊपर की तरफ से और इधर की तरफ या नीचे से भी इसमें टिप टैप बटन लगा लिया है, और अब लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी समर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है।